चलो चलो मेरे साथ। सर मेरी बात सुने सर। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इस लड़ाई झगड़े में मेरा कोई कसूर नहीं है सर। मैं तो इन लोगों की सुलह कराने आया था, इन लोगों ने मुझे ही पकड़ के अंदर कर दिया। अच्छा, तो बदमाशी करते हुए ये बात ज़हन में नहीं आई, इधर आते ही तेरी हवा निकल गई। मैं बदमाशी नहीं कर सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। ये सब इसने किया सर, इसने किया, मेरी लड़ाई नहीं है सर। इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे, अभी तो तुम दोनों की खातिर तवाज़ो करनी है हमने, और खातिर तवाज़ो भी ऐसी किसी से बदमाशी के बारे में, तो क्या इसके बारे में सोचोगे भी ना तो उसान खता हो जाएंगे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन करें सर, मेरी कोई सर प्लीज सर। तू तो गली में बड़े दावे कर रहा था मोहब्बत के, चांद की हिफाजत की जिम्मेदारी उठा रहा था, ये तेरी मोहब्बत। मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरे तुम तो चांद के लिए इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम खाक उसकी हिफाजत करोगे। बेहतर है यहां से निकलने के बाद चांद के करीब ही बनना डरना। तुम क्या समझते हो खुद को, बहुत ज्यादा बहादुरी है ये? हाँ ये मोहब्बत है, दूसरों को परेशानी में डालकर खुद सुकून से बैठे हो, ये मोहब्बत है तुम्हारी? ए आराम से बात करो। तुम्हारी वजह से मैं जेल के अंदर खड़ा हूं। अल्लाह ने तुम्हें अकल दी जिसका तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग की जगह पे भूसा भरा हुआ है। चीजें आसानी से भी तो हैंडल हो सकती है, लेकिन तुम्हें लड़ाई करनी होती है, हर किसी से लड़ाई करनी होती है तुम्हें। यूनिवर्सिटी में लड़ाई करते हो, लैंडलॉर्ड के पास जाके लड़ाई करते हो, पता नहीं क्या होगा, चांद परेशान होगी, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। ए आवाज नीचे करके बात कर रही, तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। मामा, क्या मसला है, क्यों चिल्ला रही हो? डैड चांद और आयशा को यहाँ ले आए, और क्या वो दोनों यहाँ रहेंगी? घर ले आए? हाँ तुम्हारे डैड यही चाहते। क्या मतलब है, आपने डैड को बताया नहीं कि हम दोनों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है? तुम्हारे डैड मेरी बात सुने तो तब ना, जुनैद के मरने के बाद वो चांद और आयशा के लिए बहुत सेंसिटिव हो गए। रात को भी उन्होंने मुझे बहुत डांटा, इनफैक्ट धमकी भी दी है। मैं खुद जाके उनसे बात करूंगी। फरीहो, क्या है? बेवकूफी की बातें मत करो, वो तुम्हारी कोई बात सुनने वाले नहीं है। मगर मैं अपने दुश्मन को इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अगर डैड मेरी बात ही मानेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। देखो इस वक्त कुछ भी बात करनी मुनासिब नहीं है, हम सोचते हैं। तुम इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुन, बैठो बैठो आराम से, सोचते ना कुछ, निकाले उनको बाहर। सबर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके ओके करते हैं कुछ। चांद बेटा, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और इस घर को तुम अब अपना घर समझना। शुक्रिया भाई। मामा आप जानती है ना मैं इसकी वजह से कितनी ज्यादा ज़हनी तकलीफ में हूँ, अगर मेरा बस चले ना तो मैं इसे जान से मार दूँ। इसकी वजह से राहिल मुझसे दूर चला गया। फरीहा मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, मैं खुद इन दोनों से जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन सोचो हर चीज को हैंडल करने का एक तरीका होता। ट्रस्ट मी, मैं इन दोनों को ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। बस एक दिन से ज्यादा मैं इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी मामा। ओके ओके रिलैक्स, सब्र करो, और मुझे सोचने दो कि हमें उन दोनों से किस तरह जान छुड़ानी पड़ेगी। बर्दाश्त नहीं हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह,
बहुत प्यारी बच्ची है। बिल्कुल जुनैद पर गई है ना। भाई को हमेशा से बेटी की ख्वाहिश थी, और जब उन्हें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चला कि बेटी है, वो बहुत खुश हुए थे, और नाम भी पहले से ही सोच लिया था इसका, आयशा। बहुत शिद्दत से इंतजार था, मगर अल्लाह को कुछ और ही पसंद है। भाई को आयशा को देखना नसीब ही नहीं है। बस जान बेटा, अल्लाह के सामने हम सब इंसान भी बस हैं। वो अपने खुद फैसले बेहतर समझता है कि किसके हक में क्या बेहतर है क्या नहीं। अरे अरे अरे, अरे तो बड़ी शरीर है भाई। ये पैसे रख लो। नहीं भाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रख लो बेटा, काम आते हैं। हाँ एक बात और, अगर मजीद पैसों की जरूरत पड़े तो खामोश मत रहना, मुझे बता दे। अगर बाद में मुझे पता चला कि कोई ऐसी वैसी बात थी तो मैं बहुत नाराज हूंगा। आप भी कमाल करते हैं अशफाक। चांद को भले इस घर में क्या परेशानी हो सकती है। डैड, चार दिन से मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ कि मुझे नया फोन लेना है, और आप मुझे तो बहुत टाल रहे हैं। अरे बेटा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं अभी थोड़ी देर में एटीएम पे जाता हूँ और तुम्हें लाके पैसे दे दूंगा, ठीक है? बस कर दें, जब बताए आप आज भी भूल जाएंगे। आपको तो अपनों की फिक्र थोड़ी है, आपको तो बस दूसरों की परवाह है।